इग्नेशाय नमो नमः। मित्रों, अनोखा संगम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, अशुभ समय राहुकाल, आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। आज की तारीख 31 मई 2022, आज का वार मंगलवार। आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 और गुजराती संवत 2000 चल रहा है। आज ज्येष्ठ माह का 16वां दिवस है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 7:18 शाम तक रहेगी। इसके बाद द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज के सूर्योदय का समय है 5:24 सुबह। आज सूर्यास्त का समय रहेगा 7:14 शाम को। आज चंद्रोदय का समय है 5:45 सुबह और चंद्रास का समय 8:13 शाम को रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि में 11:30 रात्रि तक रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा मिथुन राशि में आ जाएंगे। आज सूर्य वृषभ राशि में विराजमान है। आज सूर्य का नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। आज चंद्र नक्षत्र रोहिणी 10:01 सुबह तक रहेगा। इसके बाद चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में आ जाएंगे। आज का पहला कर्ण किस्तुगन 6:07 सुबह तक रहेगा। आज का दूसरा कर्ण भव 7:18 शाम तक रहने वाला है। आइए जानते हैं किस्तुघन और भव कर्ण के विषय में। किस्तुघन कर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। ये सदैव शुभ कार्यों में अपने मन को लगाते हैं। इन्हें सभी प्रकार के संसारिक सुख प्राप्त होते हैं। ये उत्तम शिक्षा और धन से परिपूर्ण होकर सभी प्रकार से आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भव कर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति धार्मिक स्वभाव के होते हैं। इस कर्ण के व्यक्ति शुभ कार्यों में अपने मन को लगाते हैं और अपने कार्य में निरंतर स्थायी रूप से लगे रहना पसंद करते हैं। अनैतिक और धर्म विरुद्ध कार्यों से ये लोग दूर रहते हैं। इनकी बुद्धि काफी तीक्ष्ण होती है, जिससे ये किसी प्रकार के भ्रम में नहीं उलझते। अपने कार्य और व्यवहार से समाज में काफी मान सम्मान प्राप्त करते हैं। आने वाले व्रत और त्योहारों की सूची में 31 तारीख को इष्टि, चंद्र दर्शन और रोहिणी व्रत होगा। 3 जून 2022 को विनायक चतुर्थी व्रत रखा जाएगा। 5 जून 2022 को स्कंद षष्ठी व्रत होगा। आज का योग धृति 12:34 मध्य रात्रि तक रहने वाला है। इसके बाद शूल योग प्रारंभ हो जाएगा। आज उत्तर दिशा की ओर दिशा शूल है। इस दिशा में यात्रा ना करें। फिर भी यदि आवश्यक हो तो गुड़ और आटे से बने व्यंजन को खाकर ही दिशाशूल की दिशा में यात्रा कर सकते हैं। आइए जानते हैं धृति योग के बारे में। किसी भवन एवं स्थान का शिलान्यास, भूमि पूजन, नीम पत्थर रखने के लिए धृति योग को उत्तम माना गया है। इसी योग में नीम पत्थर आजीवन सुख सुविधाएं प्रदान करने वाला होता है। अर्थात यदि रहने के लिए किसी घर का शिलान्यास यदि इस योग में किया जाए तो इंसान उस घर में रहकर सब प्रकार के सुख सुविधाएं प्राप्त करता हुआ आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। धृति योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति बेचैन रहा करते हैं और हर समय परेशान रहते हैं। आप लोग विपरीत लिंग के प्रति झुकाव रखते हैं। आप एक धैर्यवान, विश्लेषणात्मक और सहायता करने वाला व्यक्तित्व रखते हैं। आपके पास कुशल निर्णय लेने की क्षमता है। आज का शुभ समय, आज का अभिजीत मुहूर्त 11:51 सुबह से 12:46 दोपहर तक रहेगा। आज विजय मुहूर्त का समय 2:35 दोपहर से 3:30 दोपहर तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 4:04 सुबह से 4:45 सुबह तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। आज का अशुभ समय, आज का राहुकाल 3:46 दोपहर बाद से 5:30 शाम तक रहेगा। आज यमगंड काल का समय
8:51 सुबह से 10:35 सुबह तक रहने वाला है। इन दोनों ही समय में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य आप लोगों को शुरू नहीं करना चाहिए, अन्यथा विघ्न आ सकता है। आज के शुभ योगों में से अमृत कालम योग 6:27 सुबह से 8:14 सुबह तक रहेगा। आज द्विपुष्कर योग बहुत ही उत्तम योग माना गया है, 7:18 शाम से 5:24 अगले दिन सुबह तक रहने वाला है। आज के दिन के चौघड़िया में चार समय रहेगा, 8:52 सुबह से 10:35 सुबह तक। लाभ समय 10:35 सुबह से 12:19 दोपहर तक रहेगा। अमृत समय 12:19 दोपहर से 2:03 तक रहने वाला है। शुभ समय की बात करें तो 3:40 दोपहर से 5:30 शाम तक शुभ समय रहेगा। आज रात्रि के चौघड़िया में लाभ समय 8:30 शाम से 9:40 शाम तक रहेगा। शुभ समय 11:02 रात्रि से 12:19 मध्य रात्रि तक रहने वाला है। अमृत समय 12:19 मध्य रात्रि से 1:35 अगले दिन सुबह तक रहेगा। चर समय 1:35 अगले दिन सुबह से 2:51 अगले दिन सुबह तक रहने वाला है। मित्रों, ये था आज का शुभ पंचांग। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक देखते रहें अनोखा संगम चैनल और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और आपका वीडियो में अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।